वॉइसिंग मेरा पैशन है। पहरेदारों ने एक लड़की को गिरफ्तार किया है तुम्हारे हुक्म से। इस लड़के ने की थी बदमाशी। क्या की थी बदमाशी? 2006 में मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और मेरे दिमाग में ये नहीं घूमा कि ओह शिट मुझे कैंसर है या मुझे अब क्या होगा। मेरे दिमाग में था ये लिम्फोसार्कोमा इंटरव्यू सुना हुआ है एंड देन आई लाइक अरे ये तो वही है जो राजेश खन्ना को आनंद में हुआ था। Made of wheat because it's refined. वहां से आपको मेरी स्किन ऑयली नहीं लगेगी, यहाँ से मेरे पिंपल्स नहीं दिखेंगे और इधर से आप नहीं कहेंगे कि मेरे ब्लैकहेड्स हैं, क्योंकि है ही नहीं। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, इस तरह से जब मैंने ये पहली बार नाम सुना तो बेसिकली मेरी सर्जरी हुई। सर्जन्स को लगा कि ये नॉर्मल ट्यूमर है जो आ जाता है, ओवेरियन सिस्ट है या कुछ है। लेकिन जब सर्जरी के दौरान उन्होंने देखा कि ये सिस्ट नहीं लग रहा है तो उस वक्त उसके बाद डॉक्टर ने दे वेटेड फॉर मी टू हील, माई स्टिचेज हील, और तब 15-20 दिन के बाद उन्होंने मेरी एक मीटिंग हुई डॉक्टर से और उन्होंने कहा कि ये कैंसर है तुम्हें। मैंने कहा कौन सा कैंसर है, तो उन्होंने कहा लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। और मेरे दिमाग में ये नहीं घूमा कि ओह शिट मेरे मुझे कैंसर है या मुझे कैंसर अब क्या होगा। मेरे दिमाग में था ये लिम्फोसार्कोमा इंटेस्टाइन सुना हुआ है एंड देन आई लाइक अरे ये तो वही है जो राजेश खन्ना को आनंद में हुआ था। कुछ लोगों को तो लगा कि मैं निकल ली, आई एम नो मोर। कुछ को लगा कि मैं शायद US में शिफ्ट हो गई हूँ। कुछ को लगा कि मेरे बीमारी से इतनी त्रस्त हूँ कि मैं अब काम नहीं करूँगी। आई मीन नॉट दैट दे मेंट एनी बैड। रीच कैंडी में मेरी सर्जरी हुई, जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था सुबह मुझे एक फ़ोन आया फेमस में रिकॉर्डिंग का, और उस दिन डिस्चार्ज है मेरा। मैंने कहा कितने बजे है, तो उन्होंने कहा 2 बजे। एंड मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और वो ऐसे मैं सर हिलाया और बोला ले ले क्योंकि मुझे डिस्चार्ज करके मुझे ये सब चीज़ें मुझे नॉर्मल फील कराती हैं। मुझे नहीं कहना था कि मैं अभी डिस्चार्ज हो रहा है, मैं नहीं कर सकती। नहीं, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके सीधा फेमस में गई, वहाँ रिकॉर्डिंग की और फिर मैं घर आई। लेकिन एक वक्त आया जब लोग भूल गए, लोगों को लगा कि ये शायद अब काम नहीं करेगी, शायद ये उस हालत में नहीं है कि वो काम कर पाए। और तब जब वो एक लल आया ना, जब काम नहीं था, तब यस आई फेल्ट लेफ्ट और आई फेल्ट के जो जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है मैं वो ही नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपके अंदर जा रहा है। तो इस जर्नी में मैंने अपने लिए खुद स्टडी कर करके, पढ़ाई कर करके कि कौन सा खाना सही है, कौन सा, जैसे मैंने बिल्कुल ग्लूटेन फ्री हूँ, मैं अभी ग्लूटेन नहीं खाते क्योंकि मुझे लगा कि वो तकलीफ़ दे रहा था मुझे। कीमो के दौरान जो है वो लोग बहुत वेट लूज़ कर लेते हैं क्योंकि अंदर कुछ जाता नहीं है। कीमोथेरेपी की वजह से उल्टियाँ आती रहती हैं, नौजिया फील होता है। तो उस वक्त मेरा अजीब सा है कि वैसे तो मैं हमेशा लूज़ करना चाहती हूँ, हर कोई पतला होना चाहता है, मगर कीमो के दौरान मेरा एक मैंने अपना एक प्रण लिया कि मैं आई विल नॉट लूज़ वेट। बिकॉज उस वक्त अगर आपका वेट गिरता है इसका मतलब आपके अंदर कुछ जा नहीं रहा है एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइट बैक, वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आएगी। तब मैंने उस दौरान मैंने कुछ ऐसे रेसिपीज़ डिज़ाइन किए जो कीमोथेरेपी में आपको भाए, वो खाना आपको भाए जो स्पाइसी ना हो, क्योंकि पूरे मुंह में छाले हो जाते हैं, आप कुछ खा नहीं सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके मेरा एक रुझान बन गया।
आपको देख के लगता नहीं है कि कैंसर है आपको, तो कैंसर लिखा तो नहीं होता किसी के चेहरे पे कि आपको कैंसर है, पर मुझे समझ में आया क्यों कहते हैं। मैंने इस चीज़ को इस तरह से डील किया है कि मुझे कैंसर है, मैं कैंसर नहीं हूँ, मैं खुद कैंसर नहीं हूँ, मुझे एक बीमारी है। जिस तरह से आपको एक ज़ुकाम होता है या बुखार आता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं, उसी तरह से मैं अपने कैंसर से डील करती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़प्पन नहीं देती हूँ उसको, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, देती हूँ इम्पोर्टेंस, ध्यान रखती हूँ अपना, अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का ध्यान देती हूँ, रेगुलर टेस्ट कराती हूँ, मगर मैंने अपने आप को कैंसर नहीं बना दिया। जब आप दिमाग से कमज़ोर हों और आप बोलें कि भाई मुझे तो कैंसर है, अब मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है।